नारायण भट्टू स्थित बैकुंठ धाम मंदिर परिसर में भैरव प्रतिमा की स्थापना को लेकर आचार्यों की उपस्थिति में विधिवत पूजन किया गया। इसके पूर्व महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंदिर के संस्थापक राजेंद्र अरोरा और पार्षद भोला प्रियंका साहू उपस्थित रहे। लोगों की आस्था के केंद्र बैकुंठ धाम मंदिर परिसर कैंप 2 में भैरव प्रतिमा स्थापना का आयोजन करने धार्मिक अनुष्ठानों का दौर लगातार जारी है। पूरा मंदिर परिसर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आचार्यों की उपस्थिति में पूजा अर्चना के पश्चात महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर से निकली कलश यात्रा ने बैकुंठ धाम क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसका समापन मंदिर परिसर में हुआ। काल भैरव प्रतिमा की स्थापना को लेकर वार्ड 31 के पार्षद भोला प्रियंका साहू और भोला साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं प्रियंका साहू, वार्ड क्रमांक 31 मदर ट्रेसा से। यहाँ बैकुंठ धाम मंदिर में भैरव बाबा का मूर्ति स्थापना किया जा रहा है और कल कलश यात्रा का आयोजन पूरा किया गया, जिसमें सभी वार्डवासी उपस्थित थे। और मैं वार्डवासी से यही अपील करती हूँ कि यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आके उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं। आज हमारे बैकुंठ धाम मंदिर में बाबा भैरवनाथ जी का स्थापना है, ये मतलब मंदिर को आज उनकी मूर्ति का स्थापना होगा भैरव बाबा जी का। इसके पूर्व क्या क्या आयोजन किए गए हैं? इसके पूर्व में वार्डवासी और बैकुंठ धाम मंदिर के संस्थापक माननीय श्री राजेंद्र सिंह अरोड़ा जी और पूरे बैकुंठ धाम वासियों ने मिलकर कलश यात्रा निकाला है और आज महाभंडारे का आयोजन रखा गया है। आइए देखते हैं गाजे बाजे के साथ निकली भव्य कलश यात्रा की कुछ खास झलकियां। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।